लॉक अनलॉक होने के बाद का ये इंटरफेस है, इस तरह से दिखेगा। शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनबॉक्सिंग टिप्स एंड रिपेयर चैनल। ये ओप्पो A74 का न्यू मॉडल और 5G और दो पुराना वर्जन है, दोनों में वर्क करेगा। इसमें देखिए पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड भूल गए हैं तो इसको पासवर्ड को हम लोग आज लाइव अनलॉक करके दिखाएंगे। तो चैनल पे बने रहें, जो स्टेप है सेम स्टेप को फॉलो करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको इससे जानकारी से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इमरजेंसी डायलर पैड में आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको इंजीनियर मोड का जो कोड है *H899H, इसको आपको टच करना है। इसको आप जैसे ही टच करेंगे तो बहुत सारा आपका मेनू बार आपको ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको मैनुअल टेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे अदर में रीड राइट डॉट लॉक जो इम्पोर्टेंट है, इसको आपको 3 बार टच करेंगे तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा जो हिडन रहता है, वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बार प्रेस हो चुका है। उसके बाद नीचे में आपका डाटाबेस वर्जन है, इसको 3 बार आपको टच करना है। 3 बार आपको इसको जैसे ही टच करेंगे उसके बाद आपको कुछ स्टेप पीछे आना है और यहाँ पर GPS का जो ऑप्शन है उसको आपको ऑन करना है। यहाँ पे कुछ टाइम लगता है GPS को सर्चिंग होने में, जब तक नंबर नहीं आएगा आपको वेट करना है, आपको बैक नहीं होना है। यहाँ पर कुछ नंबर शो होगा तो अभी तक नहीं हुआ है तो हम लोग वेट करते हैं। बस कुछ देर आपका हो गया है, अब हम लोग कुछ स्टेप फिर पीछे आएंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों पास हो गया है, जो नोट सपोर्टेड है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और एक हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे हुआ है कि नहीं काम। यहाँ पर देखिए इसको चेक करते हैं तो ये भी पास हो गया है। दोस्तों जैसा स्टेप फॉलो किया है वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर देखिए पासवर्ड लेकिन टूटा नहीं है। आपको और एक काम करना है कि आपको फ़ोन का जो पावर ऑन ऑफ बटन है इसको आपको प्रेस करके रखना है। इसको आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे तो आपका ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको पावर ऑफ करना है। सिंपली पावर आप जैसे ही इसको आप ऑफ कर देंगे उसके आपको कुछ देर बाद आपको पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों आपको एक साथ प्रेस करके रखना है। दोनों आप जैसे ही एक साथ प्रेस करके रखेंगे आपका ओप्पो का लिखा हुआ जो है वो आ जाएगा और आपको नीचे में देखिए यहाँ पे रिकवरी मोड है वो भी आ जाएगा। ये रिकवरी मोड लिखा हुआ आ जाएगा तो सोचिए ये सही से प्रेस हुआ है। उसके बाद कुछ देर आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे जो लैंग्वेज आपको है जानते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे पावर ऑन ऑफ बटन के सहायता से। उसके बाद आपको वॉल्यूम डाउन बटन को नीचे करेंगे और नीचे करके यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाइप डाटा। वाइप डाटा में आप पावर ऑन ऑफ बटन को वहाँ पे ला के प्रेस करेंगे तो आपका अगला स्टेप आ जाएगा फॉर्मेट का, वाइप डाटा और फॉर्मेट डाटा। तो आपको फॉर्मेट डाटा में आपको वहाँ पर जाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक जो कोड आया है ये कोड आप जब तक आगे वो प्रोसेस नहीं करेंगे ये कोड नहीं आता है। आपका पेटेंट पिन पासवर्ड जो रहता है वही ये मांगता है। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट करते हैं तो देख सकते हैं फॉर्मेट हो गया है। इसमें कुछ देर टाइम लगता है तो हम लोग वीडियो को थोड़ा आगे फॉरवर्ड करते हैं जिससे वीडियो लंबा ना हो, तो दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। देख सकते हैं दोस्तों सही तरह से जो है खुल गया है। FRP के लिए *H813# डायल करें, FRP अनलॉक हो जाएगा जो स्किप कर दिए। थैंक यू।